सनातन भाई, हमारा रणोत्सव का बुकिंग हो गया ना? वाह, थैंक यू थैंक यू। आ तो बस मैं अभी कल के ट्रेन के टिकट बुक करवा लेता हूँ, तत्काल में मिल जाएगी ना? आप फिक्र मत करो, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। ओके थैंक यू। बगा जी, नटू काका कहाँ है? जी वो अजीत भाई के यहाँ गए हैं, वो 5 लाख रुपए का चेक लेना है ना, इसलिए। अच्छा तो तू एक काम कर, देख मैं बापू जी देर टप्पू हम लोग कच्छ जा रहे हैं कल, तो कल की कच्छ एक्सप्रेस में हमारी टिकट बुक कर दे, सेकंड एसी में, तत्काल में कर दे, मिल जाएगी। 5 दिन बाद के रिटर्न के ले ले। जी सेठ जी। चा 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 चा। आने की भी सेकंड एसी में ही बुक करूँ ना, क्योंकि क्या है सेठ जी, वहाँ कच्छ में ठंड बहुत होगी, तो फिर आते वक्त एसी की क्या जरूरत है? अरे आना जाना दोनों सेकंड एसी में कर, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, जैसी जिसकी सोच। क्या बोला? ए इधर आ, ए लौट दयो। दया को बता देता हूँ फोन करके। हेलो। हाँ दया। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। देखो सनातन भाई से बात हो गई है, हमारा रणोत्सव का बुकिंग हो गया है। हाँ? और बागा को भी टिकट लेने के लिए भेज दिया है। अरे वाह। हाँ तो तू भी अभी जाने की तैयारी फटाफट शुरू कर दे, सामान पैक पुक करना चालू कर दे, और सुन वहाँ ठंड बहुत होगी तो सबके गर्म कपड़े लेना भूलना मत। अरे पैकिंग की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और हाँ, आज मुझे दुकान से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। क्यों? अरे भाई 5 दिन के लिए बारगांव जा रहे हैं, तो नटू काका का दुकान का सारा काम समझा के आना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बराबर है बराबर है, चलो बाय। ओके। मेहता साहब को भी रणोत्सव में खींच लेता हूँ। सर मुझे एक ही दिन की छुट्टी चाहिए। हेमलता मैं ऑलरेडी तुम्हें कह चुका हूँ कि नहीं पॉसिबल, बहुत सारी जिम्मेदारी ऑफिस की मुझे सौंप के गए, एंड ही हैज टोल्ड मी कि काम पूरा होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी हेमलता, प्लीज बॉस जब आए उनसे छुट्टी ले लेना। ओके। हाँ जेठालाल बोलो। और मेहता साहब कहाँ हो? कहाँ आऊंगा जेठालाल, ऑफिस में हूँ और कहाँ। क्या रोज रोज ऑफिस जाने में घंटाला नहीं आता? बहुत घंटाला आता है, पर क्या कर सकते हैं भाई। मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। क्या? बारगांव जा सकते हैं। आपके इस परम मित्र ने 5 दिन का कच्छ का प्रोग्राम बनाया है, कल निकलना है, चलो। हाँ तो जाके आओ ना। अरे क्या जाके आओ, आपकी शुभेच्छा लेने के लिए फोन नहीं किया है, आप भी चलो साथ में। अरे क्या चलना है, ऐसे चला जा सकता है क्या? प्रोग्राम एडवांस में बनाना पड़ता है, नौकरी पेशा आदमी हो जेठालाल, ऐसे छुट्टियाँ नहीं मिलती। और अभी तो मेरा बॉस भी बाहर गया भाई, ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मुझ पे, तो सारा काम मेरे भरोसे है भाई। अरे काम तो जिंदगी भर रहने ही वाला है मेहता साहब, चलो ना मजा आएगा। वहाँ रणोत्सव में जाएंगे, सफेद रण देखेंगे, आशा पूरा माता के मठ जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे, वो पतंग उत्सव में जाएंगे, वहाँ विदेश से कितने सारे पतंग बजाएंगे, उनकी पतंग बाजी देखेंगे। और इधर यहाँ बॉस ने नौकरी से निकाल दिया ना जेठालाल, तो फिर मुझे माता जी के मंदिर जाके दर्शन करने पड़ेंगे, रेगिस्तान की तरह जिंदगी हो जाएगी, रण में घूमूंगा फिर मैं, पतंग की तरह इसको लेखाते रहूंगा। नहीं चल सकता भाई जेठालाल। अरे क्या नकारात्मक बात करते हो मेहता साहब, हकारात्मक बात करो। देखो बाका को मैंने अभी भेजा है टिकट लेने के लिए, आपकी 2 टिकट भी बोली देता हूँ। चलो चलो चलो। अरे मिस्टर हकारात्मक समझने की कोशिश करो जेठालाल। अरे मेहता साहब अब आता है तो बहुत मजा आता है। आई नो जेठालाल, लेकिन क्या करूं, फिर कभी प्रोग्राम बनेगा तब चलेगा ना साथ में। देखिए फिर भी आपका विचार और बॉस का व्यवहार बदले तो रात तक का टाइम है, मुझे बता देना, ठीक है? अरे भाई मेरा विचार तो फिर भी बदल सकता है, लेकिन बॉस का व्यवहार नहीं बदल सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? चलो चलो। अभी क्या क्या काम है? ये लीजिए अंजलि भाभी, मेहता साहब के लिए चटपटे पापड़, डाइट वाले भी है। कितने पैसे हुए? अरे क्या अंजलि भाभी, पैसों की क्या जय माता जी, जय माता दया भाभी। ओहो दया भाभी बहुत खुश नजर आ रही है आप। हाँ खुश तो होंगी ही ना, आज सब पूरा माता जी ने चमत्कार कर दिया। मतलब? वो क्या है, थोड़े दिन पहले बापूजी मिल नहीं रहे थे, तो तब मैंने आशापुरा माता जी की मान्यता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे ना, तो हम पूरे परिवार के साथ कच्छ माता के मठ दर्शन करने के लिए आएंगे। अरे वाह। आज सुबह ही मैं सोच रही थी कि टप्पू के पापा को ये बात कैसे बताऊं, लेकिन मेरे कहे बिना ही बात तय हो गई। ये तो सब माता जी का चमत्कार है। अरे वाह मज्जा है। और हम लोगों ने वहाँ 4-5 दिन के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया है, रणोत्सव में भी जाने वाले है।
अंजलि भाभी, भिड़े बहन, आप लोग भी चलिए ना साथ में। नहीं दया भाभी, हम लोग नहीं आ सकते। परसों मेरे चचेरे भाई की शादी है तो हमें वहाँ जाना है। नहीं, सगे वाले की शादी में तो जाना ही चाहिए। अंजलि भाभी आप चलिए ना। दया भाभी मैं तो अभी चलूँ आपके साथ, पर क्या है ना, तारक के बॉस नहीं है यहाँ पे, तो उनको वर्कलोड बहुत है इसलिए नहीं आ पाऊंगी। पर हमारी तरफ से आप दर्शन जरूर करिएगा। हाँ दया भाभी, हमारी तरफ से भी। हाँ अंजलि भाभी, ये कोई कहने की बात है, मैं पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से माता जी से प्रार्थना करने वाली हूँ। और अंजलि भाभी, 4-5 दिन के लिए हमारा घर बंद है, तो आप जरा ध्यान रखेंगे। दया भाभी ये भी कोई कहने की बात है, ऑफ कोर्स ध्यान रखूंगी। थैंक यू। अच्छा चलो मैं जाती हूँ, कल कच्छ निकलना है ना, तो बहुत सारी चीजें अब्दुल भाई की दुकान से लेने की है। चलो मैं भी निकलती हूँ, मुझे भी पापड़ की डिलीवरी करनी है। चलो बाय। अरे भाई अब्दुल, जल्दी सोडा दे दो, कब तक इंतजार कराओगे? आप में से सबसे ज्यादा मजबूत दांत किसके हैं? मेरे मेरे अब्दुल, क्योंकि हर रोज मैं अपने दांत को लौंग के तेल से मालिश करता हूँ। भाई बिड़े, लौंग के तेल से कुछ नहीं होता, मैं रोज नीम के दातुन का इस्तेमाल करता हूँ और इसीलिए मेरे दांत लोहे जैसे है। ये देखो लोहे। ओ यारो, और मुझे ना लौंग के तेल की जरूरत पड़ती है और ना ही नीम के दांतों की जरूरत पड़ती है, और मेरे ओरिजिनली स्ट्रांग है, मेड इन पंजाब। तो ये बताइए कि आप तीनों में से ये सोडे का बोतल का ढक्कन कौन खोलेगा? तो क्या है ना कि ओपनर नहीं मिल रहा है। अरे ला भाई अब्दुल, मैं खोल देता हूँ, एक मिनट में हो जाए। वेरी गुड। ओ भाई रहने दे बोबड़लाल, ज्यादा वीर बनने की जरूरत नहीं है, कहीं ढक्कन की जगह है 32 बार अगर निकल गई तो बिना दांत वाले लड़के से, नहीं नहीं बिना दांत वाले आदमी से शादी कौन करेगा फिर? पोपड़ की जगह पोपला हो जाएगा। क्या बोला मैं? तो पोपले से शादी कौन करेगा? ओ अय्यर भाई, आपको क्या इतनी हंसी आ रही है? पोपले का मतलब मालूम है आपको? अरे नहीं, पोपले का मतलब तो नहीं मालूम है, लेकिन सुनने में पोपला बहुत अच्छा लगा था, पोपला। अरे ओपनर मिल गया। अरे भाई कल फुल फैमिली के साथ 4-5 दिन के लिए अपने वतन कच्छ जा रहा हूँ, तो दुकान में काम निपटाते निपटाते थोड़ा लेट हो गया। और मेहता साहब फिर क्या सोचा आपने, आ रहे हो ना? अरे भाई क्या सोचूं, दिन में बताया ना बहुत सारे ऑफिस का काम मुझे सौंप के गए, तो अब ना तो खुद छुट्टी ले सकता हूँ ना किसी को छुट्टी दे सकता हूँ, नॉट पॉसिबल। आजकल बहुत भाव खा रहे हैं आप मेहता साहब। अरे मजबूरी है जेठाला। तो भिड़े तू चल। कुड़े कच्चा? नहीं 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 भाई, मेरे चचेरे साले की शादी है, नहीं गया तो माधवी बुरा मानेगी। तो हाथी भाई आप? जेठा भाई मैं कल के कल अचानक 4-5 दिन के लिए क्लिनिक बंद करके नहीं जा सकता, पेशेंट्स को देखना जरूरी है। सही बात है। ओके सही बात है। ओ यारो इन सबको छोड़ो, अब मैं और दोगी मित्र तुम्हारे साथ आएंगे। ये हुई ना मर्दों वाली बात, क्या बात है, सब छोटे मजा आ गया। लेकिन तू और गोगी तो रोशन भाभी? और जेठा ब्रा यार, और रोशन अपने मायके अपने मम्मी और पापा से मिलने के लिए गई है, और क्या है ना जेठा ब्रा, और मेरा लंगोटिया यार लखविंदर सिंह, और वो BSF में है और आजकल उसकी पोस्टिंग कच्छ में ही है। अच्छा, और लगे हाथों मैं उससे भी मिल लूंगा। हाँ तो जरूर चलेंगे उनको मिलने। थैंक यू यार, थैंक यू। और अब्दुल? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू जेठा भाई। तो पोपटलाल तुम? नहीं भाई नहीं जेठालाल, इस वक्त मैं तो शहर से बाहर जाने का रिस्क ले ही नहीं सकता। ले क्यों? वो क्या है ना, 3-4 दिन से ऑफिस में एक लड़की रोज स्माइल दे रही है। किसको? अरे मुझे भिड़े, और किसको? भाई भाई ऐसा मत करो भाई मजाक। हाँ तो क्या है ना, हो सकता है कि इस बार मेरा मामला शायद सेट हो जाए। फिर कच्छ मत जा पोपटलाल, हो सकता है इस बार ये मुस्कुराहट तुझे मंडप तक ले जाए। मैं आपके मुंह में घी शक्कर। ऑल द बेस्ट। और अय्यर भाई आपको तो पूछना बेकार है क्योंकि आप तो ना ही बोलोगे। चलो भाई मैं चलता हूँ, और छोटे
कल शाम को 5 बजे की ट्रेन है कच्छ एक्सप्रेस है, 3:30 बजे निकलेंगे यहाँ से, ठीक है? और बिल्कुल जेड़ा ब्रा, डंडना डंडना डंडन। अरे चलो भैया मैं चलता हूँ। ओके जेठालाल, ऑफिस में बिजी रहूंगा तो शायद कल मुलाकात ना हो, अभी बोल देता हूँ हैप्पी जर्नी। हाँ थैंक यू चलो भाई, चलो छोटे कल तैयार हो, 3:30 बजे निकलेंगे। क्या हुआ सेठ जी, मेरी नींद क्यों बिगाड़ी? नींद क्यों बिगाड़ी वाली, देख और 2 टिकट बुक करनी है, वो गोगी और सोटी भी आ रहे हैं। अरे लेकिन सेठ जी ऐसे एंड टाइम पे टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, बस तत्काल में कर दे सब हो जाएगा, ठीक है? चलो गुड नाइट सेठ जी। हेलो दादा। ओ ये सेठ जी सुनने को तैयार ही नहीं है, खुद की टिकट वेटिंग में है और 2 टिकट बुक करने को कह रहे हैं। कच्छ जाने की तैयारी हो रही है मेरी दया रानी। बस तो मेरे टप्पू के पापा राजू। अच्छा टिकट हो गई? हाँ बागा को बोल दिया है। आ, पता है छोटी और गोगी भी आ रहे हैं हमारे साथ। अरे वाह तो मजा आएगा। और रोशन भाभी? वो तो मायके गए हैं ना। अरे हाँ हाँ उन्होंने बताया था, भूल गई मैं। ओहो दया रानी, पहली बार मायके का नाम सुन के तूने अपने मायके अहमदाबाद जाने की बात नहीं की? ठीक है बाबा, आपकी इतनी इच्छा है ना तो हम कच्छ से लौटते वक्त अहमदाबाद उतर जाएंगे, बस खुश। अरे ये तेरे गाल पे क्या है? क्या ये इधर इधर देख, ये देख इधर इधर। मैं कैसे देख सकती हूँ? अरे हाँ, अरे ये देख ये ये, ये। कौन है इस वक्त? अय्यर भाई। अय्यर? अय्यर टप्पू के पापा। अय्यर भाई ये बी विंग है, आपका घर सी विंग में, गलती से इधर आ गए आप? नहीं गलती से नहीं आया है, क्या है जेठालाल मेरे को तुमसे एक जरूरी काम है। ओहो हो मुझसे जरूरी काम, बोलिए बोलिए। क्या है जेठालाल, तुम कल कच्छ जाओगे? हाँ। तो वहाँ पर व्हाइट डेजर्ट तो देखोगे ही ना? व्हाइट क्या? सफेद रन। अरे भाई वो तो हमारे कच्छ की स्पेशलिटी है, वो तो देखने जरूर जाएंगे। क्या है मैंने वो सफेद रन के बारे में बात सुना है, मेरे को भी वो सफेद रन देखने का बहुत इच्छा है। हाँ तो ठीक है, आपके लिए एक बढ़िया सा सफेद रन का फोटो लेके आऊंगा मैं। नहीं फोटो नहीं। अरे हाँ आप तो साइंटिस्ट हो, आपको तो सफेद रंग का सैंपल चाहिए होगा ना? ठीक है मैं थैली में थोड़ा सैंपल लेके आऊंगा। नहीं नहीं जेठालाल मेरे को सैंपल का जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं भी तुम्हारे साथ में कच्छ आना चाहता हूँ। अरे क्या आइए आइए क्या मजा आएगा, अभी एंड टाइम पे टिकट नहीं मिलेगी दया। टप्पू के पापा एक टिकट की तो बात है, देखिए ना जरा। अरे एक होया आधे टिकट नहीं हो सकती दया, अभी एंड टाइम पे। दया भाभी एक नहीं 2 टिकट चाहिए। क्यों आपका दोस्त हरिहरन भी आने वाला है? नहीं वो मेरे साथ बबीता भी आएगी। टप्पू के पापा देखिए ना जरा, 2 टिकट नहीं हो सकते। तत्काल में शायद कोशिश करेंगे तो शायद हो जाएगा। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। हाँ लेकिन वो सोल्जर सिस्टम। हाँ शोल्डर सिस्टम, किसका शोल्डरिंग करना है? नहीं शोल्डरिंग नहीं, सोल्जर सिस्टम मतलब अपना अपना खर्चा हम लोग खुद निकालेंगे, इसलिए मेरा टिकट का पैसा तुमको मेरे से लेना पड़ेगा। अरे अय्यर भाई आप हमारे वतन कच्छ में आ रहे, आप हमारे मेहमान हैं और हमारे कच्छ में मेहमान भगवान समान होते हैं, अभी भगवान से कोई पैसा लेता है? लेकिन जेठालाल मैं थोड़ा अलग टाइप का भगवान हूँ, इसलिए टिकट का पैसा तो तुमको लेना पड़ेगा। अरे भाई पहले टिकट तो कंफर्म होने दे और सब बाद में देखेंगे। अय्यर भाई आप जल्दी से जाइए, बबीता जी को खुश खबर दीजिए। मैं बबीता जी को फोन ही लगा रहा हूँ। अरे नहीं जेठालाल फोन मत लगाओ, मैं घर पर जा रहा हूँ, मैं बबीता को बोल देगा, वो बहुत खुश होगा। चलो गुड नाइट, मैं चलता हूँ। ओके बाय। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू क्या उसमें। अच्छा सुन दया, कल सुबह डॉक्टर हाथी भाई के घर पर जाके हम सबके लिए खांसी सर्दी बुखार बदन दर्द ये सबकी थोड़ी थोड़ी दवा ले लेना, क्या हमारे कच्छ में डबल मौसम है ना।
दिन में गर्मी लगती है, रात को ठंडी लगती है एकदम। तो क्या कोई अगर बीमार हो गया तो सब दवाई काम लगेगी। हाँ हाँ ठीक है। और टप्पू के पापा, आप जरा बघ भाई को फोन करो ना। क्यों? अरे बबीता जी और अय्यर भाई की टिकट के बारे में बात करनी है ना। अरे ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। थैंक यू दया, थैंक यू। हाँ बागा। क्या हुआ सेठ जी, सोडी भाई और गोगी की टिकट कैंसिल करनी है? अरे भाई कोई टिकट कैंसिल नहीं करने की है, उल्टा और दो टिकट लेने की है। किसकी? अय्यर भाई और बबीता जी की। अरे लेकिन सेठ जी ऐसे एंड टाइम पे। अरे भाई एंड टाइम बेंड टाइम कुछ नहीं, कुछ भी करके ये दो टिकट तो कंफर्म होनी ही चाहिए भाई। लेकिन सेठ जी। अरे क्या सेठ जी कर रहा है बागा। अरे कुछ लगभग लगा सब हो जाएगा, तेरे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहचान निकलती है ना। ऐसे कुलियों का मुकदम तेरा पहचान का निकलेगा। हाँ सेठ जी नहीं हो पाएगा। अरे भाई तो हमेशा नकारात्मक बात क्यों करता है, हकारात्मक सोचने का हमेशा। हाँ भगवान का नाम ले, कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है लेकिन सेठ जी, सेठ जी भगवान का नाम आप लीजिए क्योंकि आपकी टिकट वेटिंग में है। एक तो यहाँ टिकट मिल नहीं रही है, ऊपर से टिकट पे टिकट बढ़ती जा रही है, क्या करूं? अब इतनी रात को कर भी क्या सकता हूँ, एक काम करता हूँ सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। गुड नाइट बाका बॉय। बागा क्या बात है भाई, बेफिक्री हो तो बाघा की तरह। सारी दुनिया चिंता करे लेकिन हमारे बाघा बिल्कुल बेफिक्र। आप कल्पना कीजिए कि आप स्विमिंग पूल में तैरने के लिए कूद रहे हो और कूदते हुए अचानक आपकी निगाह पूल में पड़े और आपको पता चले कि यहाँ तो पानी नहीं है, आपका हाल कैसा होगा? ठीक वैसा ही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का होने वाला है क्योंकि वो इस बात से बेखबर है कि जो जिम्मेदारी बाघा को दी गई है टिकट कंफर्म कराने की, वो टिकट कंफर्म नहीं हुए। जेठालाल बड़े खुश है, बबीता जी भी कच्छ जा रही है इसलिए अतिरिक्त खुश है, लेकिन ये जो खुशी की ट्रेन है ये बहुत ज्यादा देर तक पटरी पर रहने वाली नहीं है। क्या होगा ये कच्छ जाना, आशापुरा माता जी के मठ में जाना, कच्छ का रणोत्सव, सपने तो बहुत सारे हैं लेकिन इन सपनों का क्या होगा? कच्छ एक्सप्रेस में क्या ये जा पाएंगे? ये टिकट कंफर्म होगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों में हंसी की एक्सप्रेस दौड़ती रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।